इकबाल सिंह जी वालों 100 रुपया इनाम भेजा जा रहा है। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हारी दोस्तों, जमाना बदल रहा, पता नहीं तो महंगाई ने बंदे का काफी तंग कर देता है, इस करके पता नहीं वैसे ही बंदा सूझवान हो गया। अगे आमतौर पर कहते भी जड़ देगा सत्त फुट होने चाहिए ने, जे कि लोड़ पै जाए तो कंध बन जाए, गल भी ठीक सी। पर हुण तां दोस्तो महंगाई इन्नी हो गई है, सत्त तां की दो तीन पालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वैसे भी नवा जमाना आ गया है, ठीक है भी एक या दो फुट ठीक है, पर होंदा की जा रहा, उस जेठ ते दियोर ये बेचारे खुरदे जा रहे हैं, जिस घर के एक पुत्र एक धी है जी, तो लू जी आई है उन्होंने पता लगता भी घर से जेठ तो है ही नहीं, दियोर भी नहीं है। तो ये रिश्ते हौली हौली खत्म होंगे जा रहे हैं, जबकि साडे पिंडां दे विच इन्हां रिश्तिआं दी महत्ता बड़ी हुंदी सी, खैर हुण भी हैगी है। वैसे तो असीं पिंड दे सारे लोकां नूं ताया चाचा कह के बुलाउंदे आ, इस करके रिश्ता तां बण ही जांदा हुंदा, लेकिन फिर भी कुछ जिहड़े सके रिश्ते हुंदे ने उहनां दा कुछ फर्क हुंदा ना। इक जेठ जिहने पहिलां तां 18-20 साल दी उमर च फौज भर्ती हो गया, फौज इस करके भर्ती होया कि जदों घर दे दाणे दा खाण नूं जमीन तों ही मिल जांदे ने, जिहड़े नगद पैसे होणगे उहदा कर्जा खर्चा खुर्चा चलूगा, ते उह फौज भर्ती हो गया, चलो पैसे आते सी माड़े मोटे जुड़ते सके, घर का खर्च चलता सारे, वो सोचता सगा भी जो पैसे जुड़ गए तो फिर मैं जाके ब्याह कर लूँगा। 30-32 साल के साल चुप रो के उन्हें रिटायरमेंट ले ली, इन्हें हड़बा निकले आदि कोई पुछता नहीं है, छोटे का विह हो गया, छोटे का इस करके विह हो गया, अगले ने सोच लिया भी चलो खाण पीन पैसे बाहर अपने दाने करते हैं तो खर्चे खुर्चे वास्ते पैसे बहरों आ जाते हैं, छोटे का विह हो गया। हूँ जो आया उन्हें देखा भी माँ बाप सोचे, भरजाई सोचूगी, छोटा भरा सोचूगा, पर जो किसी ने ना सोचे बड़ा दुखी होया, उन्हें सोचा यार कमाल है। खैर जी माड़ी मोटी पेंशन आती थी उन्हें जोड़ ली, जोड़ के एक विचोला कढ़ लिया, विचोला सियाणा सी तकड़ा सीगा, उन्हें उसकी कितने जाकर मारी, कदू तीर मारता टांगा फिट कर दिता। हम जिस तरह पता लग गया, हाँ भरजाई लग गया पता भी लाई यह किसी मंगना मुंगना कराया, बड़ी माड़ी गल है, तो जो मंगना होगा तो विह भी होगा, विह हो गया तो वह आऊगी, वह आई तो चुल्हा वखरा होगा, चुल्हा वखरा हो गया भोए मांडा वखरा हो जूगा, यह तो साढ़े घर की आमदनी जाती रही, अंत हो जूगा, तो बड़ी माड़ी गल है। और नहीं चाहती भी ऐसा हो, जिस दिन वह मंगना हो गया मतलब गलबात पक्की होगी, उस दिन उन्हें भी सवेरे उठ के नहा धो के मुछा वट दे के आके उतरे मड़िया वर्गा चिट्टा झग्गा टोर ला, जो घरों बाहर निकलिया एक पैर वह देनी बाहर सी कंधर से, भरजाई ने हाक मार ली, सुने कहीं भाई जी गल सुन जाई, उ खड़ा कहना ऐसे दस दे की गल है, भरजाई बड़ी चलाक है, कहीं की गल नेड़े नहीं आ होंगे, कोई कबीलदारी गल नेड़े बैठ के सुननी होंगी छल पा, उसे खड़ा खड़ा कहता वो 20 साल हो गए नेड़े लगते पोस्ट करते हैं, किसी ने नेड़े लगे नहीं दिते, तू गल कर अपनी अच्छी करी जा, कहीं गल नहीं है। दोस्तों हादसे वाली गल नहीं, मैं सच्ची गल है, वह बड़ी चलाक, वह कहती अच्छा 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 मैंने तो भुलेखा पै गया, मैंने तो पता नहीं सी तू इना बिजी है, ठीक है तू जा अपना काम कर, मैं भी नेड़े स्कूल तोड़ने ने, हाँ मैं उसकी रोटी पानी पका लवान, मैं तो सिर्फ इन्नी गल सी कल तेरे सहरे तो कोई जनानी आई सी, मैंने मिली सी तेरे टब्बर दी चार मेरे को गल कर गई, कर गई मैं सोचती सी तेरे नाल सांझियां कर लवां, पर तेरे को टाइम ही नहीं है, चल कोई गल तू जा। हूँ जो सहरे पिंड का नाम सुनिया उसका दूजा पैर देनी बाहर ना जाए, यार कमाल की गल है, सहरे पिंड का नाम क्या बंदर भी आए कर लग जाता कुछ नहीं करता, बंदा सी खैर होया कि मुड़े आया पिछले को कहता हाँ दस गल की है ना, जो गल दस दी है। दोस्तों आओ जी रविंद्र जी, ये साढ़े पोलिटिकल सैकटरी ने संत रणबीर सिंह जी के पुत्रा साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलो वो की कहती है अगो, वो की जवाब दिता पेश कर लगे, दसी केरा दिल जिहा पैंदा जांदा काला नी, किन्ना को है सोना पुरजा मेरे,
ਦੱਸੀ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ ਨੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਟੱਬਰ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਠ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਕਾਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਠ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਕਾਕੀ ਹੈ ਕਾਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉੱਠੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਠ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਕਾਕੀ ਹੈ ਸੱਜਿਓ ਕਾਡੀ ਪੀਰ ਖੱਬੀ ਤੋਂ ਜਮਾ ਬਣਾਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਠ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਕਾਕੀ ਹੈ ਸੱਜਿਓ ਕਾਡੀ ਪੀਰ ਖੱਬੀ ਤੋਂ ਜਮਾ ਬਣਾਕੀ ਹੈ ਮਨਾਕੀ ਹੈ ਸਜਾਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੱਟ ਕੁੜੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੱਟ ਕੁੜੇ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜੱਟ ਕੁੜੇ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜੱਟ ਕੁੜੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਪੜਨ ਬਹਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਪੜਨ ਬਹਾਉਣੀ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੜਕ ਵਖਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੜਕ ਵਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਮਰ ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਜਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਮਰ ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਜਈ ਪੱਕੀ ਜਈ ਦੇਖਿਆ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਲਾਵੇ ਲੀਕ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਕੀ ਹੈ ਅੱਡੀ ਛੱਡੀ ਪੱਕ ਵੀ ਗਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਜਈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਪੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਥੱਕੀ ਜਈ ਥੱਕੀ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਜਈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਪੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਥੱਕੀ ਜਈ ਉਮਰ ਅਮਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕੁੜੇ ਉਮਰ ਅਮਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕੁੜੇ ਰੁੜਜੂ ਰੋੜਾ ਹੋਈ ਜੇ ਵੱਡੀ ਨੌ ਦਸ ਸਾਲ ਕੁੜੇ ਰੁੜਜੂ ਰੋੜਾ ਹੋਈ ਜੇ ਵੱਡੀ ਨੌ ਦਸ ਸਾਲ ਕੁੜੇ ਦੁਨਾ ਚ ਦੁਰਮੁੱਟ ਵਰਗੀ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੁਰਮੁੱਟ ਵਰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੁਰਮੁੱਟ ਵਰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਕ ਪਿਆਉਣੀ ਨੂੰ ਸਗਿਆ ਵੇ ਰੰਗ ਤਵੇ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਵੇ ਬੰਨੋ ਬਾਜੋ ਕੀ ਤੇਰਾ ਖੜਿਆ ਹਾਰਾ ਵੇ ਦੱਸਦੀ ਨੂੰ ਸਗਿਆ ਵੇ ਰੰਗ ਤਵੇ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਵੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੈਥੋਂ ਸਾਬਣ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਦੋਈ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਣਾ ਕਰ ਫੜਾ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ ਮੜੀ ਜਾ ਤੇ ਨਾਈ ਜਾ ਮੜੀ ਜਾ ਤੇ ਨਾਈ ਜਾ ਬਹੁਤੀ ਗੋਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਕਾਲਾ ਕੀ ਗੋਰਾ ਕੀ ਕਾਲਾ ਕੀ ਗੋਰਾ ਦੋਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕੁੜੇ ਕੀ ਕਾਲਾ ਕੀ ਦੋਈ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਲਾ ਕੀ ਗੋਰਾ ਦੋਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕੁੜੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦ ਕੁੜੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦ ਕੁੜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਰ ਖੜ ਦੇਖੂ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਖੜ ਦੇਖੂ ਦੁਨੀਆ ਖੂਬ ਚਚੂਗੀ ਜੋੜੀ ਨੀ ਹਰ ਖੜ ਦੇਖੂ ਦੁਨੀਆ ਖੂਬ ਚਚੂਗੀ ਜੋੜੀ ਨੀ ਜਦ ਰਲ ਗਏ ਪਰ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਜਦ ਰਲ ਗਏ ਪਰ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕੰਮ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਲੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਡੰਡਾ ਪਾਪੀ ਨੀ ਜੇਕਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਡੰਡਾ ਪਾਪੀ ਨੀ ਤਕਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਨੀ ਤਕਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਨੀ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਤੀਵੀਂ ਤਾਂ ਵਡਿਆਉਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਤੀਵੀਂ ਤਾਂ ਵਡਿਆਉਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੇਖੀ ਲਾਲਾ ਨੇ
नित परौठे किवे खवाउंदी ऐ, ओ वेखी लाला नित परौठे किवे खवाउंदी ऐ। कुछड़ तिन्न ने आणे आय हाय हाय हाय, कुछड़ तिन्न ने आणे किती गल लकोई ऐ, कुछड़ तिन्न ने आणे किती गल लकोई ऐ। सुनया दो दिन का पहला भी तोरी होई ऐ, कुछड़ तिन्न ने आणे ओना ने गल लकोई ऐ। सचे पातशाह ने आता कर दिती दिल दीनी, सचे पातशाह ने आता कर दिती दिल दीनी। न्याणे सरे जना नीता कर्मा नाल मिलनी, सचे पातशाह ने आता कर दिती दिल दीनी। न्याणे सरे जना नीता कर्मा नाल मिलनी। ओ खड़िया करूं शरीका दे विच हुण इक तड़के मैं, करू शरीका दे विच हुण इक तड़के मैं। पकी पकाई खीर दा मालक बैजू बनके मैं, पकी पकाई खीर दा मालक बैजू बनके मैं। मैं ता आखा समझ के तैनू बंदा करदा वे, मैं ता आखा समझ के तैनू बंदा करदा। बंदा करदा बंदा करदा करदा समझाउने मैंने पंगे क्यों लैंदा। वांगू बह जाएगी सचियां अखवा गए नी, रिश्ते तो मुकराऊंगी तू का उंगल लागे नी। किने पापड़े वाला पंथल जा करवाए ना, कोए पांडे विचो अपना हाथ बढ़ाए ना। ओ कुंड मुकड़े दुला दे दस तारे अनुपा दे, I'm
ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰੱਖਿਆ ਚੱਲ ਬੁੱਤਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਚੱਲ ਬੁੱਤਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੁੱਲ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਚੱਲ ਬੁੱਤਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੁੱਲ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗੀਰ ਵਰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਹੀਰ ਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵਰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਹੀਰ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਵਾਹ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਕੰਨ ਸੋਲਾ ਅੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਲਾ ਅੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੋਲਾ ਅੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰੱਬਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਦੇ ਮਲਕਾ ਫੁੱਲ ਖੁੱਲ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਹੱਡੀਆਂ
ਰੰਗ ਚੱਲੀ ਕੋਲ ਦੀ ਪਵਾ ਕੇ ਕੰਨੀ ਨੇੜੇ ਆਵਾਜੀਏ ਰੰਗ ਚੱਲੀ ਕੋਲ ਦੀ ਪਵਾ ਕੇ ਕੰਨੀ ਨੇੜੇ ਆਵਾਜੀਏ ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜੀ ਦੀ ਚੁਕਾ ਪੰਡਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ ਤਰਾਂ ਚੜੀ ਦੀ ਚੁਕਾ ਪੰਡਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ
उस गभरू की कहानी है जो अपने घर का सारा माल मता खा पी के डकार के यार दोस्तों खड़ा के सोरी जावड़े सस ने सेवा शुरू की बेचारी कली सी सेवा शुरू की दो चार दिन सेवा देख के उन्हें दिल से सोचा यार इतने वाहवा वी आई पी ट्रीटमेंट मिलती है इतने रहने पिंड जाके की झूठ फक्का यह सोच के पतंदर ने पक्के चले उ कट दिते हम पिंड आम ही पता लग जाता कि पिंड च नवा बंदा आया कहड़ा होया या पिंड का नवा बंदा गया कहड़ा होया। भाई जी बड़ी मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया सन्मान करते हैं चलते सस के कान भी पै गई सस दुखी हो गई क्योंकि पिंड के लोगों गल बड़ी भेड़ी लगती है और दिल में ऐ चीज जाते जिम्मे सब तार बेबे महीना हो गया प्रौहने आए नू जान का नाम नहीं लेंदा कोई उपाय दस बेबे बेबे कहा सौ पत्र की तारू कहीं राजा बहजा हूं ही समझा दी है उठा के कोल बेबे ने कोई वधिया जी कहानी करके सोहना जहा स्ने बना के देता कहीं आ स्ने जाके दे प्रौहने सुनती सारी बगलू पिंड स्नेहा याद करके चाई चाई कर सोचती है जो प्रौहने ने स्नेहा सुनाया जे कि नंगे पैरी खड़ा होया फिर पिंड जाने वास्ते जुत्ती नहीं पालगा नंगे पैरी ठुकूगा वो तो यह सोचती होती है प्रौहना तो कहा ठीठ मेरे वर्गा महा ठीठ तो कुछ होर ही सोची बैठा तो सुना गौर नाल सस की कहती है जवाई की जवाब दिता सस जवाई का गीत है इस गीत के बीबी सुरजीत कौर जी सस समझ लो रब कहें पक्या से बहने रब रब कहें पक्या से बहने रब रब कहें पक्या से बहने रब रब कहें पक्या से बहने मौत बड़ी डाढ़ी आए चले आना जोर सी 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 Oh, okay.
वारी दस की कणक मुक जाऊंगी, मेरी वारी दस की कणक मुक जाऊंगी। सस्से मेरी मैं पिछों जोगा रह गया, पूरी जय बत्ती गन खट्टू पल्ले पै गया, पूरी जय बत्ती गन खट्टू पल्ले पै गया। ओ बके मैं बके मैं सारे लोगों फिर दसदा, ओ बके मैं सारे लोगों फिर दसदा, देखो किन्ना वधिया सुभाए मेरी सस दा, देखो किन्ना वधिया सुभाए मेरी सस दा, भाई हो बके मैं सारे लोगों फिर दसदा, देखो किन्ना वधिया सुभाए मेरी सस दा। उन्नदान करी मैं पिछले जन्म विच, उन्नदान करी मैं कौर नाल रहंदा तैयू सौरियां दे घरे मैं, कौर नाल रहंदा तैयू सौरियां दे घरे मैं। बेबे का बिछोड़ा दस कला किने सोऊंगा, बेबे का बिछोड़ा बेबे का बिछोड़ा दस कला किने सोऊंगा, अज तू मैं सस्से अज तू मैं सस्से तेरे चरना च रहूंगा, बेबे का बिछोड़ा दस कला किने सोऊंगा, अज तू मैं सस्से तेरे चरना च रहूंगा। आदमी दे नालों कुत्ता वफादार हुंदा है नी, आदमी दे नालों कुत्ता वफादार हुंदा, पट्टे वाला शर्मीला गल सोणा ने कह गया, आई सस्से तेरिए मैं तैथों जोगा रह गया, शुक्रिया बहुत बहुत मेहरबानी। इन्हां दुकानियां तो खुश होके बहुत सारा नाम सरदार बहादुर सरदार गुरजंत सिंह जी, ब्याह वाले काका जी दे छोटे ब्रदर शुक्रगुजार धन्नवादी, काका जी दे मामा जी परमजीत सिंह 100 रुपया दे के साडा मान करदे ने, असीं उहनां दे बहुत बहुत धन्नवादी आ। साधु सिंह जी पिंड चूंगा 500 रुपया दे के साडा मान करते हैं, असीं उहनां दे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। काका जी दे पिता जी सरदार बहादुर सरदार करमेल सिंह जी ढिल्लों पहला भी बहुत सारा इनाम हुण फिर 100 रुपया दे के साडा मान करते हैं, असीं उहनां दे भी बहुत बहुत धन्नवादी। बलदेव सिंह जी नैनेवाल तो 100 रुपया दे के साडा मान करके गए, असीं उहनां दे भी बहुत बहुत धन्नवादी। जसवंत सिंह जी कान सिंह वाले तो 100 रुपया दे के साडा मान करके गए, असीं उहनां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। गुरमीत सिंह जी 50 रुपए दे के साडा मान करते हैं, शुक्रगुजार। बलदेव सिंह जी ड्राइवर बठिंडा डिपू तो 100 रुपया दे के साडा मान करके गए, असीं उहनां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। सुरजीत सिंह जी बिजली बोर्ड 100 रुपया दे के साडा मान करते हैं, असीं उहनां दा भी बहुत बहुत धन्नवादी। जगतार सिंह जी माशी के 100 रुपया दे के मान करते हैं, असीं उहनां दा बहुत बहुत धन्नवाद, शुक्रगुजार। एमएलए साहब गुरप्रीत सिंह कांगड़ उन्होंने वालों पहला भी 500 रुपया, उस तो बाद फिर 500 रुपया दे के साडा मान करते हैं, असीं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हाँ। हरनेक सिंह जी ढिल्लों 100 रुपया,
शक्ति टेंट हाउस महराज जिन्हों वालों ये खूबसूरत हाल बनाया गया उन्होंने को बहुत सारा इनाम पहला भी हम फिर 50 रुपए दे के सारा मान कर देने उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दी। गुरमेल सिंह जी सरपंच साहब 100 रुपया, गुरजान सिंह जी 100 रुपया देकर सारा मान कर देने उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद दी। बुद्धि धनौला दीप पैलेस के मालिक 100 रुपया देकर सारा मान कर देने उन्होंने भी बहुत बहुत, मास्टर जीत सिंह जी 100 रुपया देकर सारा मान कर देने शुक्रगुजार धन्यवाद दी। करमजन करम सिंह जी 100 रुपया, मास्टर गुरदेव सिंह जी 100 रुपया, लाभ चतावली वाले भाई जी उन्होंने भी बहुत सारा इनाम पहला भी हम फिर 50 रुपए देकर सारा मान कर देने धन्यवाद दी शुक्रगुजार। सरदार बहादुर सरदार बलौर सिंह प्रधान बिजली बोर्ड 100 रुपया देकर सारा मान कर देने उन्होंने भी धन्यवाद दी। माली सिंह जी उन्होंने वालों बहुत सारा इनाम, सिंबर सिंह जी 100 रुपया देकर सारा मान करके गए धन्यवाद दी असि उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दी। जैला सिंह 100 रुपया देकर सारा मान करते हैं। मिंटू व्यापारी बदनी उन्होंने को पहला भी बहुत सारा इनाम हम फिर 100 रुपया देकर सारा मान करते हैं असि उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद दी शुक्रगुजार। बूटा व्यापारी बिलासपुर तो 200 रुपया देकर सारा मान करते हैं उन्होंने भी धन्यवाद दी। हरवंत सिंह जी चीमा 100 रुपए, रमनदीप सिंह जी पखो के 100 रुपए देकर सारा मान करते हैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद दी। नछत्र सिंह जी बीड़ बदनी 100 रुपया देकर सारा मान करते हैं। लड़के के जीजा जी रणजीत सिंह जी 100 रुपया देकर सारा मान करते हैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद दी। असं धन्ना सिंह जी गंडू 100 रुपया देकर मान करते हैं। लड़के के भूआ जी दे लड़का राजू हिम्मतपुरा बहुत सारा इनाम पहला भी हम फिर राजू हिम्मतपुरा 100 रुपया देकर सारा मान करते हैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद दी। काका जी डैडी जी दे मामा जी स्वर्गवासी हरी सिंह शीनीवाल 100 रुपया देकर सारा मान करते हैं। चमकौर सिंह जी 100 रुपया देकर सारा मान करते हैं। लड़की परिवार वालों बहुत सारा इनाम लड़की जी दे चाचा जी रूप सिंह हांगकांग वाले 100 रुपया देकर सारा मान करते हैं। लड़की के चाचा जी बसंत सिंह जी दुराका सैदोकिया तो 100 रुपया देकर सारा बहुत बहुत मान करते हैं असं उन्होंने धन्यवाद दी। जगदेव सिंह जी पुट्टो यूएसए 100 रुपया देकर सारा मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दी शुक्रगुजार। त्रिलोक सिंह जी चौधरी लड़की दे फुफड़ जी बहुत सारा इनाम पहला भी हम फिर 100 रुपया देकर इनाम मान करते हैं असं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दी। सुखमंदर सिंह जी चौधरी फुफड़ लड़की जी दे ये भी बहुत बहुत साडा मान करते हैं असं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद दी। लड़की दे पिता जी सुमंदर सिंह दराका सैदोकिया तो बहुत बहुत नाम पहला भी हम फिर 100 रुपया देकर साडा मान करते हैं। तुहाडियां दियां फरमाइशां लैके हाजिर ने जनाब मुहम्मद सदीक तबीबा सुखजीत कौर। दो इनाम होर ने कुलवंत सिंह जी मास्टर फदौड़ उन्होंने वालों 50 रुपए, बिल्ला बटाले वाला उन्होंने वालों भी 50 रुपये मान किया गया असं तहत धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। लो अगला गीत खाली घोड़ी हिड़कती थोड़ी अपनी फरमाइश खाली घोड़ी हिड़कती उस तो मगरों सौ दान जिस दिन मिलता शाह वालू लैन वास्ते गया उस तरह के करे भैन की बरात चुकी हुई थी वो भैन कोठे उत्ते खड़ी उड़ीका करती है भी मेरा वीर आऊगा अपने हाथों के नाल मैं डोली के पाऊगा पर दूरों मिर्जे चढ़ती सखड़ी बक्की वेख के उड़ीका करती भैन के पैरों थलों मिट्टी निकल जाती है जरा गौर नाल सुनना है
ਆਖਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਅਗਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦਾ ਗੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਔਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਖੰਭ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਤੇ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਤੇ। ਤੇਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ 97-98 ਸਾਲ ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਰਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਪੰਛੀ ਉਡਾਣਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਣ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਆਂਹਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੂੰ ਖੇਤ ਵੱਲ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਡੀ ਖੇਡਿਆ, ਕੁੱਡੀ ਖੇਡਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਭਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਹੋਈ ਜਾ ਗੱਭਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਬਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਗਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੇਤ ਵੱਲ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਕੌਡੀ ਖੇਡਿਆ, ਜਾਂ ਕੌਡੀ ਖੇਡਿਆ, ਜਾਂ ਖੇਤ ਵੱਲ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜੇਬ ਘਟਾ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਆਪ ਹੋਟਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੋ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਜ ਮੂਹਰੇ ਖੜੋ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜੋ ਤਾਂ ਕੌਣ ਟੱਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਖੜੋ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ, ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਲੈ ਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਨਿਆਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਭਰਜਾਈ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਸਾਗ ਤੋੜਦੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾ ਪਈ, ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੌਂਦੂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਟਾਂਗਾ ਰਿਕਸ਼ਾ 100 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਰੂਸੇ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ। ਫਿਰ ਭਜਾਈ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ, ਕੋਈ ਗੱਡਾ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ, ਕੋਈ ਰੇੜਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ, ਆਪ ਮੌਜ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਰੇੜੇ ਆਇਆ, ਲਟਕਿਆ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜ ਮੂਜ ਵਾਲੀ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਗੁੱਸਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਗ ਸੂਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਡੰਡੀ ਡੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਭਰੂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਤਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਭਰਜਾਈ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਲੂ ਪੁਛਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਹਿਰ ਗਿਆ ਸੈਂ ਦਿਓਰਾ ਕਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰੀ ਤੂੰ, ਸਹਿਰ ਗਿਆ ਸੈਂ ਦਿਓਰਾ
हड बीती की दसा हड बीती उल्टा कजिया पै गया नी की दसा हड बीती उल्टा कजिया पै गया नी मैं ता अपना झुग्गा चौड़ करा के बह गया नी मैं ता अपना झुग्गा चौड़ करा के बह गया नी एक कुड़ी की कुकड़ी नहीं कुड़ी और एक कुड़ी दे पीछे लग के होश गवा बैठा एक कुड़ी दे पीछे लग के होश गवा बैठा कहीं पले के भाभी फुटनर मेरे का बैठा कहीं पले के भाभी फुटनर मेरे का बैठा किवे आवो मो ठगड़ी तेरे पीछे पै गई वे केड़े जादू नाल तेनू कील के पै गई वे केड़े जादू नाल तेनू कील के पै गई वे सारी गल तो मैनू तू करवा दे जानू वे सारी गल तो मैनू तू करवा दे जानू वे किवे बाप पी करके तेरी होगी सियाणू वे किवे बाप पी करके तेरी होगी सियाणू वे इको सीट ते बैठे दोवे शहर नूं जांदे सी इको सीट ते बैठे दोवे शहर नूं जांदे सी और पला की ओदे नाल मेरे मुर्गे सांझे सी और पला की ओदे नाल मेरे मुर्गे सांझे सी मैं आ की हिली जांदा मैं कूनी जी मारी उने पैर दबा दिता मैं कूनी जी मारी उने पैर दबा दिता फिर इन्ने विच मैं हुबके उदा टिकट कटा दिता कोई सेवा करिए नी सेवा बस विच करनी सी और किथे जांदा फिर मैं उल्लू कह बैठा आ कोई सेवा करिए नी बस तो थले उतर आई ओ मेरे जरिए नी अख बचा के होटल विच बैठे ओले सी भावे बीहा दा बिल आ गया पीते घंटे कोले सी फिर मलयाली वाले नू उन्हें कीता ऑर्डर ली
बाकी कल लगना दू एवें क्यों घबराउनी है, बाकी कल लगना दू एवें क्यों घबराउनी है, जान भी दे हुण बाबी तो रौला पौनी है, जान भी दे हुण बाबी जी ता तो रौला पौनी है। अज वाला कम कर ते नहीं ओ छड़ना चाहिदा, अज वाला कम कर ते नहीं ओ छड़ना चाहिदा, तू तो फुल्ती हरिया गड्डा कटना चाहिदा, ज्यादा बाकी लेखा भी हुण पूरा कर दे वे, ज्यादा बाकी लेखा भी हुण पूरा कर दे वे, नहीं तां वजदे धरती मेरी तली ते धर दे वे, नहीं तां वजदे धरती मेरी तली ते धर दे वे। कहंदी सिलवे जाना, कहंदी सिलवे जाना, ना ओ मन्नी टाल्या नी, पच्ची लै लै बिच बलैक दे टिकटां वाला नी, पूरे पच्ची लै लै बिच बलैक दे टिकटां वाला नी, खत्म होई जल, खत्म होई जल, खत्म होई जल। ओहो की खत्म होई? ओ जड़ी देखण गए सी, की देखण गए सी? मैनू कहंदी ना, पहला मैनू कहंदी, पहला पता पहले मैनू की कहंदी सी? मैनू नहीं पता, तू दस। पहला मैनू कहंदी ना, मेरे नेड़े बैठ के पहला मैनू कहंदी, मैनू कहंदी पता भाभी पहला मैनू की कहंदी सी? हां दस की कहंदी सी? पहला मैनू कहंदी, मेरे नेड़े बैठ के ना हल देके मैनू कहंदी, कन्न नेड़े नू करी, फिर मेरे कन्न विच हल देके मैनू कहंदी, पहला कहंदी पता भाभी पहला मैनू की कहंदी सी? बाहर आ गए जी, मोई जन पिचकर तुम बाहर आ गए जी, तसा रुपया दी फिर चाल भर भी ਹੋਈ ਜਦ ਪਿਛਕਰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਦ ਪਿਛਕਰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਫਿਰ ਚਾਲ ਭਰ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿਓਰਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੁਰਗੀ ਲੱਪੀ ਵੇ, ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿਓਰਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੁਰਗੀ ਲੱਪੀ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮਿਲਦੇ ਛੱਪੀ ਵੇ, ਮਗਰੋਂ ਕੱਲਿਆ ਛੋੜ ਗਈ, ਭਰੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਗਈ, ਭਰੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਗਈ, ਖਾਕੀ ਨੰਗ ਬਣਾ ਗਈ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪਕਾਇਆ ਨੀ, ਖਾਕੀ ਨੰਗ ਬਣਾ ਗਈ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪਕਾਇਆ ਨੀ, ਧਰਤੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਦਿਓਰ ਬਾਬੀ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਨੀ, ਕਰ ਫਿਕਰ ਮਹਿਰਾਜ ਵਾਲੀਆ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਨੀ।
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੀ ਸੱਚੀ ਮੇਘਲੀ ਚਾਂਦੀ ਜਲ ਹੋਈ ਨੀ ਕੱਢ ਲਕੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਏ ਚਿੱਤ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਕੱਢ ਲੈ ਲਕੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਏ ਚਿੱਤ ਨੀ ਮੈਂ ਛੱਡੂਗਾ ਚੁੰਗਾ ਕੇ ਰੋਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਛੱਡੂਗਾ ਚੁੰਗਾ ਕੇ ਰੋਕੇ ਨਿਆਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਹੂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਰੱਬ
ਕਰਦਾ ਝੋਲਾ ਅੰਤੀਏ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਦਾ ਝੋਲਾ ਨੀ मेरी मजबूरी है मैं इस तो बाद टाइम नहीं ला सकता बहुत जरूरी काम है मैनू मैं कह के आया सीगा सरदार बंत सिंह जी नूं मैं बोलियां पेश करन लगे हैं साड़ी इन्नी हाजरी अज कबूल करियो फिर कदे वाहिगुरु ने मौका दिता तां जरूर सेवा करांगे गिद्दा गिद्दा करे मेलणे गिद्दा पूं पसीना गिद्दा गिद्दा करे मेलणे गिद्दा पूं पसीना ते सारे पिंडा हो गया सारे पिंड का कट हो गया जी बुलना की तेरा भाई अखा चुके वेख सानू अखा चुके वेख सानू भरिया प्या बनेरा तैनू भुख लगती सही काल का मेरा तैनू भुख लगती सही काल का मेरा तैनू भुख लगती सही काल का मेरा तैनू भुख लगती जगराज सिंह जी गुप्तर साहब 200 रुपया भेज रहे बड़ी मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया है ਨਾ
रविंद्र सिंह जी बैठे ने साडे कोठला साहब उन्होंने थोड़ा सारे का जिन्हें सज्जन के मैं नहीं जानता उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें बुला के सेवा का मौका दिता बड़ी मेहरबानी और पूरा सेवा कबूल करी गांव को कभी मौका मिले सेवा चाह सके सेवा करने का।